मुझे आज भी याद है कि हम बचपन में लेस या फिर कुरकुरे में प्याज टमाटर डालकर कुछ नया बनाने की कोशिश करते थे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ब्लू वाला लेस। आपको जो लेस पसंद है आप उसका यूज़ कीजिए, और आप इसमें ट्राई करें कि आप इसमें बड़े बड़े चिप्स का यूज़ करें। ये जो छोटे मोटे चिप्स है ना, इसे आप यूँ ही खा लीजिए, और जितने बड़े चिप्स आपके पास सारे के सारे पैन में डाल दीजिए। और चिप्स डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हमें एकदम बारीक काट लेना है। अगर आप एकदम बारीक नहीं काट सकते तो आप थोड़े बड़े बड़े भी प्याज काट सकते हैं। फिर प्याज काटने के बाद अब हम चिप्स के ऊपर प्याज डाल देंगे। आपको जितना प्याज चाहिए आप उतना प्याज काट के डाल सकते हैं। प्याज डालने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर जैसा चाहे आप वैसा काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से काट रहा हूँ। आप चाहे तो इस तरह से भी टमाटर को काट के डाल सकते हैं। टमाटर आप जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टमाटर का यूज़ किया है। फिर टमाटर डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। नींबू का जूस मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 1 से 1.5 बड़े चम्मच। नींबू का जूस डालने के बाद हम इसमें और भी चीज़ें मिला लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ऑरिगेनो। अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ कीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। और थोड़ा सा टमाटो केचप और थोड़ा सा मेयोनीज मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, लगभग 3 बड़े चम्मच मेयोनीज। अब हम इसमें डाल देंगे चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। आप जो चाहे वो चीज़ का यूज़ कर लीजिए। चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो आप चीज़ को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। भर भर के चीज़ डाल दिया मैंने इसमें, और चीज़ डालने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। और हमें गैस का फ्लेम लो पे ही रखना है, हम मीडियम या फिर तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हमें इसे तभी तक पकाना है जब तक चीज़ अच्छी तरह से पिघल ना जाए। तो ये देखो चीज़ कितनी अच्छी तरह से पिघल गया है, और जैसे ही चीज़ पिघल जाए हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।